उदाहरण सात, प्रश्न। दिए गए चित्र 29 में यदि PQ समांतर RS, कोण MXQ बराबर 135 अंश और कोण MYR बराबर 40 अंश है तो कोण XMY ज्ञात कीजिए। हल। दिए गए चित्र में M से गुजरने वाली और PQ के समांतर रेखा AB खींची। अब चित्र क्रमांक 30 में आप देखिए AB समानांतर RS और PQ समांतर RS हैं। आप लिख सकते हैं कोण QXM धन कोण XMB बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर पहला। क्योंकि AB समांतर PQ है और तिर्यक रेखा XM के एक ही ओर के अंतः कोण हैं, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण QXM धन कोण XMB बराबर 180 अंश। पुनः चित्र 30 देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्नानुसार कोण QXM बराबर 135 अंश, इसलिए हम समीकरण एक से लिख सकते हैं 135 अंश यहाँ पे मान रखने पर धन कोण XMB बराबर 180 अंश या कोण XMB बराबर 180 अंश ऋण 135 अंश, या हम लिख सकते हैं कोण XMB बराबर 45 अंश, समीकरण नंबर दो। पुनः आप देख सकते हैं कि रेखा AB और RS समांतर हैं और कोण BMY और कोण MYR एकांतर कोण हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण BMY बराबर कोण MYR, समीकरण क्रमांक तीन। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण MYR बराबर 40 अंश, इसलिए हम समीकरण तीन से लिख सकते हैं कोण BMY बराबर 40 अंश, समीकरण चार। समीकरण दो और समीकरण चार को जोड़ने पर कोण XMB धन कोण BMY बराबर 45 अंश धन 40 अंश। चित्र देखिए, चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि कोण XMB धन कोण BMY बराबर होगा कोण XMY और इस तरफ 45 अंश और 40 अंश का जोड़ हुआ 85 अंश। इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त होता है कोण XMY बराबर 85 अंश।